देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका और मिस्र का दौरा कर भारत वापस लौट चुके हैं। जैसे ही उन्होंने देश की धरती पर कदम रखा वैसे ही उनका भव्य स्वागत हुआ। आधी रात को ही जेपी नड्डा, मीनाक्षी लेखी समेत तमाम बड़े नेता पीएम मोदी को फूल देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी का ये दौरा यूं तो कई मायनों में खास रहा, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा पीएम मोदी के प्रति विदेशियों का दीवानापन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह से पीएम के साथ हंसी ठाके लगाते हुए नजर आए, उसने पूरी दुनिया में संदेश भेजा कि अमेरिका जैसा देश भारत के साथ अब अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर चुका है। इसी बीच अमेरिकी संसद में जिस वक्त पीएम मोदी का संबोधन हुआ उस दौरान पूरी संसद मोदी मोदी के नारे से गूंज उठी थी। 22 जून को पीएम ने जैसे ही अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, यहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। सोचिए, पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग इस कदर उत्साहित थे कि संसद में मोदी मोदी का नारा गूंजने लगा। पीएम ने लगभग एक घंटे का भाषण दिया जिसे वहां के संसद सदस्यों के साथ साथ भारतीय समुदाय ने भी सुना। लगभग 2-3 मिनट तक जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगते रहे, जिसे देखकर हर भारतीय भी गर्व महसूस कर रहा है। पीएम मोदी के इस वीडियो को देखने के बाद भारत में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मोदी समर्थक तो तारीफ करने ही लगे, विरोधी भी पीएम के फैन हो गए। ऐसे में कट्टर कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने भी पीएम का अमेरिकी संसद का ये वीडियो शेयर किया और ट्वीट करते हुए लिखा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कपिल त्यागी के वीडियो को रीशेयर करते हुए अपनी बात रखी। कपिल त्यागी ने वीडियो के साथ लिखा था, इस सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं, आप सहमत हैं तो राय दें। अब जिस तरह से आचार्य प्रमोद ने वीडियो शेयर किया उस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रही हैं। लोग तो ये तक सवाल करने लगे हैं कि क्या आचार्य प्रमोद फिर से बीजेपी की तरफ जाने का मन बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, भारतीयों के लिए फक्र का दिन है। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी जैसा दूरगामी सोच वाला नेता ना हुआ ना होगा। एक और यूजर ने लिखा, बेशक कोई मुकाबले में दूर दूर तक भी नहीं। तो देखा आपने किस तरह से आचार्य प्रमोद द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भले ही आचार्य प्रमोद मोदी की भर भर कर तारीफ करने का कोई मौका ना छोड़ते हो, लेकिन फिलहाल उनका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।